हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक स्नैक्स आइटम जो है ब्रेड सॉसेज रोल। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए झटपट से रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड पीसेस। यहाँ हम 6 पीस ब्रेड लिए हैं। साथ ही हमें चाहिए 2 अंडा और चीज़ क्यूब। इसके साथ हमें लगेगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसे हम सॉसेज से बनाएंगे, इसीलिए हम सॉसेज भी ले लेंगे। ये हमारा चिकन सॉसेज है, इसे भी हमने ले लिया है। अब हम ब्रेड के साइड को काट के निकाल देंगे। ब्रेड के चारों कोना को हमने काट लिया है। अब एक ब्रश के हेल्प से ब्रेड में हल्का सा पानी लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा पानी लगाएंगे, और एक रोलिंग पिन या बेलन के हेल्प से इसे थोड़ा सा हम स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाए। देखिए, हल्का से करना होगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, टूट सकती है। ये हमने कर लिया है, ये हमारा बेस रेडी हो गया है। ऐसे ही हमने सारे ब्रेड पीसेस को साइड से कट कर उसे हल्का बेल कर बेस रेडी करके रख दिए हैं। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। सबसे पहले हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे और उसे ब्रेड में डाल देंगे, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गोलकी पाउडर डालेंगे, मतलब ब्लैक पेपर पाउडर देंगे। अब हम सॉसेज पीस लेंगे। सॉसेज हमारा काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसे हमने बीच से कट कर लिया है। अब इसे अंदर डालेंगे और इसे मोड़ देंगे, इसे फोल्ड करके एक सिलेंडर जैसा बना लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करने में, पर करते करते आपका हो जाएगा। फिर दूसरा पीसेस ले लेंगे, उसमें भी हम चीज़ डालेंगे और एक सॉसेज पीस अंदर डाल देंगे और इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और सिलेंडर के शेप में बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे पीसेस से बना लेंगे और उसे रेफ्रिजरेट होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। हमने सारे पीसेस को रेडी कर लिया है, इसे हम रेफ्रिजरेट होने के लिए रख देंगे। अब एक कांच के बोल में हम 2 अंडा को तोड़ के डाल देंगे और इसे विस्कर के हेल्प से हल्का सा विस्क कर लेंगे। अब हम अंडा में हल्का सा दूध डालेंगे, दूध डाल के उसे भी मिक्स कर लेंगे। ये एक बैटर रेडी हो रहा है, इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे और साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर है, इसे भी हमने डाल दिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसका एक हम फाइन बैटर रेडी कर लेंगे। इसे में डिप करके हमारा ब्रेड रोल को फ्राई करना है। हमने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स को निकाल के रखा है। अब हम जो ब्रेड रोल्स हमने बनाए हैं उसे हम अंडा के बैटर में डिप करेंगे और जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें रोल करेंगे। इसमें हमने रोल कर देंगे, इसे हम अच्छा से कोट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे पीसेस को अपना पहले रेडी कर लेंगे। सेकेंड वाला लेंगे, उसे भी हम एक बैटर में डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। ऐसे हम सारा बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम फ्राइंग वाला काम करेंगे। हमने सारे ब्रेड रोल्स को बना के रख दिया है। अभी हम फ्राइंग का काम करेंगे। कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस में, इसमें तेल गरम होने के लिए देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम एक एक कर ब्रेड रोल्स को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। इसे दोनों तरफ से हम टर्न करके फ्राई करेंगे। ये हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है,
ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। फिर दूसरा बैच हम डालेंगे फ्राई होने के लिए। ऐसे ही हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। इसे आप गरम गरम टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।